शिक्षकों के सामने झुका यूजीसी। एपीआई नियमों में फिर होंगे संशोधन। सेफ रहेगी शिक्षकों की नौकरी। शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक स्कोर यानी एपीआई मानदंडों में किए गए बदलावों के खिलाफ प्रदर्शनकारी कॉलेज शिक्षकों की मांगों के आगे झुकते हुए यूजीसी ने प्रत्यक्ष शिक्षण समयावधि कार्यभार यानी डायरेक्ट टीचिंग आवर्स वर्कलोड को बहाल कर दिया। उच्च शिक्षा सचिव वीएस ओब्रायन ने पत्रकारों को बताया कि प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यभार को सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के लिए क्रमशः 16 और 14 घंटे बहाल कर दिया गया है। यूजीसी के नियमों में जरूरी संशोधनों के जरिए ये किया गया। एपीआई और कार्यभार मानदंड के कारण शिक्षकों की छटनी नहीं होगी। इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो एडहॉक आधार पर पढ़ाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी यूजीसी की इन सिफारिशों को मंजूरी देने का फैसला किया। आयोग की एक बैठक में इसे मंजूरी दी गई। फैसला हुआ है कि सीधे शिक्षण घंटों में लेक्चर और परियोजना निगरानी के अलावा पाठन, प्रयोग, क्षेत्र कार्य शामिल होंगे। प्रोफेसर और शिक्षकों द्वारा मेंटरिंग को भी सीधे शिक्षण स्कोर की गणना के वक्त देखा जाएगा। शिक्षकों के लिए छात्रों की प्रतिक्रिया का प्रावधान अब भी जारी रहेगा। यूजीसी ने हाल ही में एपीआई मानदंडों में बदलाव किया था, जिसका शिक्षक संघों ने विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी नौकरी जा सकती है और उन्होंने कहा था कि ये शिक्षण के अनुकूल नहीं है।